हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वाशिंग सोडा के कंपाउंड का प्रिपरेशन है और उसकी यूजेज और उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। नंबर 6 कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली हमारे बहुत सी चीज़ों में काम आता है। इसमें जब कई बार बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं तो उसमें प्लास्टर जो यूज करते हैं वो प्लास्टर भी सीखा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके अलावा इसके कुछ स्टैचू मूर्तियाँ बनती हैं और डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं घर में। जैसे अगर हम कोई स्टैचू वगैरह लेके आते हैं घर में तो ये भी बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और इसके अलावा जो घरों के अंदर नए मकान के अंदर जो रूफ डिज़ाइन दी जाती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाई जाती हैं। तो बहुत सारे यूज हैं इसके। जो केमिकल नेम क्या हो जाएगा, इट्स केमिकल नेम इज, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। सेमी हाइड्रेट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल हाफ है, आधा है, और वो भी क्रिस्टल के रूप में डॉट लगा हुआ है तो क्रिस्टल के रूप में वाटर, ठीक है, इसलिए इसको कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट बोलते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले जिप्सम से बनाया गया था पेरिस के अंदर, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया गया, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम ऑन या एट 393 केल्विन। 393 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है जिप्सम से। इसको POP के नाम से भी जानते हैं ना, POP शॉर्ट फॉर्म है इसकी, POP इट इज नॉन एज POP। कैसे बनाते हैं इसको, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, देखो CaSO4.2H2, ये तो होता है जिप्सम का फॉर्मूला। इसको जब हीट करते हैं 393 केल्विन पर तो ये इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज, कुछ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है CaSO4.5H2। ये बना लेगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करता है यहाँ पे, इसको बैलेंस कर देते हैं। देखो बैलेंस कैसे करोगे, इधर यहाँ पे 2 लगा देते हैं इधर, ठीक है। इधर देखो कैल्शियम कितने हो गए, 2 हो गए, इधर कैल्शियम 1 है ओनली, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, 2 लगा दिया। यहाँ पे सल्फ़र 2 है, इधर भी अब सल्फ़र 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, देखो 2 ऑक्सीजन तो ये रहे 2H2O और 2 जब 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गए और 4 ये 8 ऑक्सीजन हो गए टोटल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कितने हो गए, देखो ऑक्सीजन 2, 4, 8 तो ये हो गए, ठीक है। यहाँ पर 2, 4, 8 और 2, 10 हो गए इधर, है ना। इधर देखो 2, 4, 8 तो ये और ये हाफ है इधर, तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, यानी 1 मॉलिक्यूल ये, तो 4, 2, 8 और 1, 9 और इधर 10 है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है अभी, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे देखो 2, 2, 4 और 4, 2, 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम,
इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगा देंगे इधर, ठीक है। तो ये 3x2 हो गया, मतलब 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, इसको मल्टीप्लाई करोगे हाफ को 2 से तो ये आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। ये बन गया पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, नोट कर लीजिए इसको। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नंबर वन, देखो ये भी एक वाइट कलर का और सॉलिड सब्सटेंस होता है, इट इज वाइट सॉलिड और ग्लोसी सब्सटेंस, थोड़ा चिकनाट वाला ग्लोसी सब्सटेंस, ठीक है। नंबर टू, ये जब इसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, पीओपी के अंदर, तो कुछ देर में हार्ड हो जाता है बहुत, जैसे कोई स्टोन बन गया हो इस तरह से हार्ड हो जाता है बिल्कुल, इट बिकम्स वेरी हार्ड ऑन एडिंग वाटर विद इन 15 टू 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है पानी डालते हैं इसमें, ठीक है। क्या होगा इसमें कि पानी ऐड करेंगे तो ये हार्ड हो जाता है, वापस जिप्सम बना लेता है ये, फिर से जिप्सम बना लेता है, यानी हमने जो भी इक्वेशन पढ़ी थी उसका अपोजिट कर दो, उसका रिवर्स कर दो उसको, प्लस 3H2O और इक्वल CaSO4 .2H2, वापस जिप्सम बना लेगा यानी हार्ड हो जाएगा ये, ठीक है। और ये पीओपी है ये अपना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसके यूजेज की बात करते हैं, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत से यूज है, को देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इट इज यूज्ड एज प्लास्टर टू जॉइन द ब्रोकन बॉन्ड्स, इसको ब्रोकन बॉन्ड्स को जोड़ने में यूज लिया जाता है। एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस जब हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें भी इसको यूज लिया जाता है डिजाइन वगैरह बनाने में। नंबर थ्री, इन डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट में यूज लेते हैं इसको, ठीक है, दांतों के अंदर गैप को फिल करने के लिए, खत्म करने के लिए इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज लिया जाता है। इन द मेकिंग ऑफ स्टैच्यू मूर्ति बनाने में एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स, अदर डेकोरेटिव आइटम्स। ये सब इसके यूजेज हैं, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद आता है नेक्स्ट कंपाउंड सोप, साबुन कैसे बनाया जाता है। देखिए साबुन हम इसको पढ़ चुके हैं, हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं उसको यूज करते हैं सोप बनाने में, क्या हो जाएगा ये, सोप्स आर जनरली
मिक्सचर्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के मिक्सर होते हैं पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स का मतलब है किसी फैट के ऑयल से, ठीक है, फैटी एसिड से, फैट से, और हम सोप बनाएं, किसी ऑयल को यूज करके हम सोप बनाएं, और उस ऑयल को बोलते हैं हायर फैटी एसिड्स, जो जनरली फैट का बना होता है, फैट होती है उसका बना होता है, और उससे हम सोप बनाते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। दीज आर द लॉन्ग चेन, दीज आर द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ऑफ कार्बन 12 टू कार्बन 18 एटम्स, यानी ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है, इसमें इसमें कार्बन की संख्या 12 से लेकर 18 के बीच में हो सकती है साबुन के अंदर, ठीक है। दीज आर ऑब्टेंड बाय, इसको बनाते कैसे, दीज आर ऑब्टेंड बाय हीटिंग ऑफ फैटी एसिड्स हैं, उनको हीट करके किसके साथ, विद एक्वियस सॉल्यूशन, विद एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये साथ लिख लीजिए, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही हो सकते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लिक्विड सोप बनाते हैं हम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को यूज करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन, इसको हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सेपोनिफिकेशन क्या है, साबुन बनाने का प्रोसेस, किससे, हायर फैटी एसिड को हीट करके, और किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोप बनाया जाता है, इसको हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। इसके रिएक्शन देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है इसको, यहाँ पे एक ग्लिसरिक एसिड है CH2COC17H35, और इसी के साथ बॉन्ड बन रहा है CH COO C17H35, और इसी के साथ बॉन्ड बन रहा है CH2COC17H35, इसको बोलते हैं ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ग्लिसरिक एसिड कह दो, ग्लिसरॉइड कह दो इसमें। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, और फिर इसको हीट करते हैं। हीट करते तो क्या क्या बनता है, देखो इसमें एक तो बनता है इसमें सोप C17H35 COO Na, ठीक है, ये तो बन गया सोप, और इसी के साथ इसमें बनता है ग्लिसरॉल CH2OH CH OH और CH2OH, ये बन जाता है ग्लिसरॉल, ठीक है। देखो इसमें कैसे बना, इसमें ये ग्लिसरिक एसिड में ग्लिसरॉइड में यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे इसके, तो इधर वाले पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, ये टूटेगा, इधर से NaOH टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा,
ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास, इस तरह से ये कंपाउंड बन गए। ठीक है, C17H35COONa, इसको हम सोडियम स्टीयरेट भी बोलते हैं, फिर एक ये बनता है ग्लिसरॉल। इस तरह से सॉप बनाया जाता है, इसकी इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे, तब तक के लिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए एंड लर्न कीजिए।